वेल अगर आप लोग सीएम पंक के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर काफी बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन पर एक बड़ा सुपरस्टार कंपनी पर सरप्राइज रिटर्न करने वाला है। जेड कारगिल के फास्ट लेन पर अपीयर होने को लेकर बैकस्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एडब्ल्यू और एनएक्सटी के रेटिंग वॉर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली अंडरटेकर को टीज कर दिया है। तो गाइस वहीं अगले हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर ट्रिपल एच एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पोटेंशियल रिटर्न को लेकर सीएम पंक इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई से बात कर रहे हैं। और गाइस अगर यहां पर हर चीजें सही जाती गई तो गाइस सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज पे पर व्यू के ऊपर ऑफिशियल तौर पर उनका रिटर्न करेंगे। और यहीं अब सीएम पंक के रिटर्न के इन सभी रूमर्स के बाद आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कमेंटेटर कोडी ग्रेव्स की तरफ से सीएम पंक के एक लाइन को रेफरेंस दिया गया है, जहां पर बेसिकली आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर कोडी ग्रेव्स जब उनका कमेंट्री कर रहे थे, यहां पर कमेंट्री टेबल के ऊपर कोडी ग्रेव्स सीएम पंक के एक फेमस लाइन को दोहराते गए। और गाइस कोडी ग्रेव्स ये कहते गए कि सीएम पंक के जो लाइन हुई थी वही लाइन आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर कोडी ग्रेव्स रिपीट करते हुए कहते गए, द ग्रेटेस्ट ट्रिक डेविल एवर पुल्ड वाज मेकिंग वर्ल्ड फॉरगेट अबाउट ही एग्जिस्टेड। और गाइस बेसिकली जब यहां पर कोडी ग्रेव्स ने इस लाइन को बोली तो गाइस सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक का नाम एक बार फिर से ट्रेंड होने लगा, क्योंकि गाइस हर किसी को यह बात बढ़िया से मालूम है कि यहां पर सीएम पंक इस लाइन को यूज करते गए। और गाइस इवन एडब्ल्यू के अंदर भी लास्ट ईयर एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक के इस लाइन को दिखाया गया था। और अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के कमेंटेटर का टेलीविजन पर यह स्टोरी लाइन में बोलना कहीं ना कहीं इस चीज को डायरेक्टली हिंट करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक को वापस ला रही है। और गाइस पॉसिबली सर्वाइवर के ऊपर सीएम पंक कंपनी के ऊपर ऑफिशियली रिटर्न करेंगे। गाइज ये तो बात थी सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की, बट गाइज अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू के अगले हफ्ते के रेटिंग वॉर के अंदर अंडरटेकर के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबली रिटर्न होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के तरफ से एक बड़ा हिंट आ चुका है। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी इलीट मेनिया चैनल के ऊपर बता चुका हूं कि अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनएक्सटी के रेटिंग वॉर के अंदर हमें यहां पर अंडरटेकर पॉसिबली एनएक्सटी पर देखने को मिल सकते गए। और गाइज ऑलरेडी पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अगले हफ्ते भी और एनएक्सटी के रेटिंग वॉर के अंदर WWE पॉसिबली NXT के ऊपर अंडरटेकर को लेकर आने वाली गए। और गाइस यहीं WWE में अंडरटेकर के NXT पर अपीयर होने के रूमर्स के बाद अब WWE ने भी इस चीज को टीज कर दिया है कि पॉसिबली WWE के अगले हफ्ते के NXT के ऊपर अंडरटेकर पॉसिबली शो के ऊपर अपीयर होंगे। क्योंकि गाइस आज यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर जब WWE कंपनी NXT को हाइप कर रही थी, तो गाइस उसी टाइम के ऊपर WWE ने एक बड़े थॉन्स को प्ले किया था जो कि अंडरटेकर के लिए फेमस माना जाता है। और गाइस यहां पर इस चीज के काफी तगड़े चांसेस है कि अगले हफ्ते AEW और WWE के रेटिंग वॉर के अंदर अंडरटेकर NXT के ऊपर डेब्यू करे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में WWE AEW को बीट करने के लिए जॉन सीना और कोडी रोड्स के बाद अंडरटेकर को NXT पर लाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के कल होने वाले फास्ट लेन पेपर व्यू की। वेल गाइस बात करें यहां पर फास्ट लेन पेपर व्यू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कल यहां पर WWE के फास्ट लेन पेपर व्यू के ऊपर जेड कारगिल पॉसिबली WWE पर उनका ऑफिशियल डेब्यू करेंगी। और अब यहां पर इस चीज को लेकर कंफर्म रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि WWE के कल यहां पर इंडियाना पुलिस में फास्ट लेन पेपर व्यू के लिए जेड कारगिल ऑफिशियली एरिया के अंदर अराइव कर चुकी है। और काफी सारे लोगों ने एयरपोर्ट के ऊपर जेड कारगिल को फास्ट लेन के एरिया में देखा है, और क्योंकि जेड कारगिल ऑलरेडी उस एरिया में अराइव हो चुकी है, तो गाइज अब यहां पर यह कंफर्म माना जा रहा है कि कल यहां पर फास्ट लेन पेपर व्यू के ऊपर जेड कारगिल हमें टेलीविजन पर देखने को मिलेंगी। बट गाइस जेड कारगिल वो इकलौती रेसलर नहीं होने वाली गए जो कल यहां पर फास्ट लेन के ऊपर उनकी अपीयरेंस देंगी, क्योंकि गाइस अब यहां पर कल WWE के फास्ट लेन पेपर व्यू के ऊपर WWE का अनदर सुपरस्टार रिटर्न करने वाला है। और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन कार्लिटो होने वाले गए। वेल ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि WWE ने जुलाई महीने के अंदर ही कार्लिटो को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया था, और अब यहां पर फाइनली करीबन 3 महीनों के बाद WWE कंपनी कार्लिटो को वापस
लाने वाले गए और इस चीज को लेकर तगड़ी रिपोर्ट आ रही गए कि कल यहाँ पर WWE का फास्ट लेन वो पेपर व्यू होने वाला है, जब कार्लिटो ऑफिशियली कंपनी के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे और कल यहाँ पर WWE के फास्ट लेन के ऊपर कार्लिटो हमें शो पर सरप्राइज अपीयरेंस देते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहाँ पर कार्लिटो फास्ट लेन पे पर व्यू पर क्या करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अगले हफ्ते के स्मैकडाउन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर स्मैकडाउन की, तो गाइस अगर आप लोगों ने आज WWE का स्मैकडाउन मिस कर दिया है तो गाइस मैं आपको बता दूं अगले हफ्ते WWE के 13 अक्टूबर के स्मैकडाउन के ऊपर जहां ट्राइबल चीफ रोमन रेंस उनका रिटर्न करेंगे, तो गाइस वहीं सेम स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर ट्रिपल एच देखने को मिलने वाले गए और अगले हफ्ते WWE के स्मैकडाउन के ऊपर ट्रिपल एच की तरफ से कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प है कि ट्रिपल एच अगले हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर क्या अनाउंसमेंट करते गए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।